Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shorts. Why the bottom of a ship is painted red? इसका जवाब थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बहरी जहाज पानी के अंदर तैरते हैं एंड टू बी एक्यूरेट इट इज सी वाटर। समंदर के इस पानी के अंदर जहां ये जहाज तैरते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाते हैं और जहां ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रेड कर रहे होते हैं वहां पे इसके अपने कुछ डाउन साइड्स भी हैं। अगर आपने किसी भी जहाज को बॉटम से देखा हो, किसी भी जेटी को आपने नीचे से देखा हो या किसी भी ऐसी चीज को, सतूनों को, पिलर्स को, हर उस चीज को जो कि पानी के अंदर खड़ी रह सकती है आपने देखा हो और जो कि पानी के अंदर कुछ अर्से तक खड़ी रही हो तो आपको उसके ऊपर काफी सारी ग्रोथ नजर आएंगी। ये होते हैं बार्नकल्स, सीवीड, मरीन ग्रास और इसी तरह की कुछ और टाइप की मरीन ग्रोथ। जहां पे ये सारी की सारी मरीन ग्रोथ वहां की मरीन लाइफ के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव किस्म की चीज होती है, वहीं पर ये मरीन ग्रोथ बहरी जहाजों के लिए कुछ ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती। बहरी जहाज लॉन्च के बाद से लेकर उस वक्त तक जब तक ये स्क्रैप नहीं हो जाते सिर्फ तभी पानी से बाहर निकलते हैं जब इनका हर 5 साल में ड्राई डॉक किया जा रहा होता है, बाकी हर वक्त पानी के अंदर ही रहते हैं। पानी के अंदर इस लगातार रहने से होता क्या है कि जहाज के ऊपर सी ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाती है जिसमें बॉन्स, बार्निकल्स, सीवीड, मरीन ग्रास, हर तरह की चीज शामिल है। जहां पर ये तमाम की तमाम चीजें जहाज के ऊपर ग्रो करना बजाते खुद जहाज के लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं होती, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू हार्म द शिप इन एनी वे, वहीं पर इन तमाम की तमाम ग्रोथ की वजह से जहाज के लिए एक चीज डेट्रीमेंटल होती है एंड दैट इज द ड्रैग। अब ये ड्रैग क्या है? जहाज पानी के अंदर है, तैर रहा है, जहाज का इंजन पानी को धक्का दे रहा है, प्रोपेलर घूम रहा है लगातार एंड द शिप इज यू नो सेलिंग थ्रू द वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब ये तमाम की तमाम ग्रोथ जहाज के हल के ऊपर आ जाती है तो फिर जहाज का ड्रैग बढ़ जाता है। ड्रैग का सिंपल अल्फाज में मतलब यह है कि पानी के दरमियान में और जहाज के हल के दरमियान में फ्रिक्शन बढ़ जाती है। अब जहाज का हल कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं, जहाज के आगे से लेके पीछे तक, एक साइड से लेके दूसरे साइड तक जितना एरिया आपको पानी के अंदर नजर आता है तकरीबन इस तरह ही, बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हम डेप्थ की बात करें तो फुल लोडेड कंडीशन में पानी के अंदर होता है। इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर अगर ये सी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर होगा क्या, आपके फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाएगी। जहाज को उतनी ही स्पीड हासिल करने के लिए अब जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि जहाज के हर तरफ मरीन ग्रोथ हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको जहाज का इंजन ज्यादा आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर चलाना पड़ेगा और जहाज के इंजन की आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ाने के लिए आपको फ्यूल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सो इनएविटेबली आपको नुकसान ये हो रहा होता है कि आपका ड्रैग बढ़ने की वजह से आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता है। इसका एक आसान हल तो यह है कि आप हर दफा जब वॉयज के ऊपर जाएं तो उससे पहले आप अपनी हल क्लीनिंग करवा लें, आप ड्राइवर्स को बुलाएं, वो नीचे जाएंगे और पूरे के पूरे हल को साफ कर देंगे। और दूसरा अच्छा और एफिशिएंट तरीका यह है कि आप जहाज के बॉटम के ऊपर इस तरह का पेंट इस्तेमाल करें, इस तरह का आप रंग वहां पे इस्तेमाल करें जो कि इस मरीन ग्रोथ को ज्यादा बढ़ने ही ना दे, जो कि इनको ज्यादा फेवर मत करे। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर एंटी फाउलिंग पेंट्स कम इन। एंटी फाउलिंग का मतलब है कि वो तमाम के तमाम पेंट्स जो कि जहाज के अंडर वाटर ये जो एरिया है ना, इसको फाउलिंग से बचाएं, इसको मरीन ग्रोथ से बचाएं ताकि इस पर हर किस्म की सी ग्रोथ कम से कम हो और जहाज का ड्रैग ना बढ़ने पाए। लेकिन मैं आपके सामने एक जिक्र और करता चलूं और वो जिक्र ये है कि एंटी फाउलिंग पेंट लगाने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि जहाज के बॉटम के ऊपर मरीन ग्रोथ नहीं होती, लेकिन एंटी फाउलिंग पेंट लगाने के बाद एक चीज होती है वो ये कि ये ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। एंटी फाउलिंग पेंट लगाने के बाद आपको साल में मेरे ख्याल में एक बार हल अपना साफ करवाना पड़ता है, आपको बार बार नहीं करवाना पड़ता। लेकिन आजकल कंपनीज जहाज की ज्यादा एफिशिएंसी हासिल करने के लिए तकरीबन हर 6 महीने में उसका हल क्लीन करवा देती हैं। तो ये पेंट बेसिकली इसलिए होता है कि जहाज के बॉटम को फाउलिंग से बचाया जाए, मैरीन ग्रास, मैरीन ग्रोथ, बार्नकल्स, इन सब चीजों से बचाया जाए और जहाज का ड्रैग कम कर दिया जाए। लेकिन हम आज के दौर की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये रंग सिर्फ और सिर्फ सुर्ख रंग में मौजूद है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अब आप जिस रंग का चाहें ऑलमोस्ट आपको हर उस रंग में एंटी फाउलिंग पेंट मिल जाता है और आप अपने जहाज पर लगा सकते हैं। चंद साल पहले तक ऐसा नहीं होता था, आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती थी, 2-3 रंग तो थे लेकिन यूजुअली आमतौर पर रंग लाल ही इस्तेमाल किया जाता था। आजकल के दौर में ऐसी कोई कहानी नहीं है, आपको हर किस्म का रंग आपके पास मौजूद है। यही वजह है कि आप क्रूज लाइन शिप्स के ऊपर देखते हैं कि क्रूज लाइन शिप्स के ऊपर कलर जो है वो व्हाइट कलर हुआ होता है,
किसी के ऊपर ग्रीन है, किसी के ऊपर ग्रे है, किसी के ऊपर ब्लैक है, इट ऑल डिपेंड्स। तो फिर रेड क्यों? रेड किस लिए? इसकी एक वजह तो यह है कि ट्रेडिशनली जहाज के बॉटम्स के ऊपर रेड कलर किया जाता रहा। पहले किसी जमाने में कॉपर की ब्लेड्स लगा दी जाती थी, बाद में कॉपर सल्फेट्स, जहरी बात है समंदर में रहने की वजह से बनता था, और वो रेडिश हल नजर आता था। फिर किसी जमाने में कॉपर सल्फेट का पेंट आ गया, वो पेंट बॉटम के ऊपर किया जाता रहा ताकि जहाज़ों को रॉटिंग से, क्योंकि लकड़ी के जहाज होते थे, रॉटिंग से बचाया जाए, मैरीन ग्रोथ से बचाया जाए। स्लोली स्लोली पेंटिंग के सिस्टम्स तो चेंज हो गए, लेकिन ये रेड इसलिए भी कॉमन रहा कि इसकी एक और वजह ये भी है कि जहाज़ों का हल, स्पेशली कार्गो शिप्स का हल, यूजुअली ब्लैक कलर में होता है। डिफरेंट कलर्स में भी हो सकता है, ब्लू, वाइट, रेड, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन शिप मेकर्स की चॉइस यूजुअली ब्लैक ही होती है कि ब्लैक साइड बिल्कुल हो। ब्लैक साइड अच्छी भी लगती है, मेंटेन करना भी आसान होता है। अब इसमें जब आप अपना रेड कलर शामिल करेंगे तो रेड कलर को यूजुअली क्या किया जाता है कि प्लिम्सोल मार्क जो आपका है ना, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ प्लिम्सोल मार्क का, जहाँ पे आपके ड्राफ्ट मार्किंग्स होते हैं, प्लिम्सोल मार्क की लाइन के ऊपर आपके जहाज़ को रेड कलर कर दिया जाता है और इस तरीके से एक डिमार्केशन लाइन बन जाती है ब्लैक लाइन में और रेड लाइन में। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन कई जहाज़ों में ये मार्किंग ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन जिन जहाज़ों में रेड लाइन एग्जैक्टली प्लिम्सोल मार्क को क्रॉस कर रही होती है, उसमें आपका फ़ायदा फिर क्या होता है कि आपको एक नज़र देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा जहाज़ कहीं पर ओवरलोड तो नहीं हो गया। तो ये वो बुनियादी दो वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर एक जहाज़ का बॉटम रेड कलर का पेंट किया जाता है। मैं एक बार फिर आपको ये बात बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि मैरीन ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। बार्निकल्स उसके बाद भी डेवलप होते हैं, मेरीन ग्रास उसके बाद भी जहाज़ की सरफेस के ऊपर लगता है और हमें हल क्लीन कराना पड़ता है, लेकिन दुनिया की हर पोर्ट हमें हल क्लीन करने की इजाज़त नहीं देती। दिस इज़ अनदर सैड स्टोरी। आई मीन अब जहाज़ चल रहे हैं वो क्या करें, कहाँ से अपना हल क्लीन करवाएं। लेकिन बहरहाल उन कंट्रीज़ के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना ये है कि बार्निकल्स आप पता नहीं कहाँ से डेवलप करके ले आए हैं, और हमारे कंट्री में आके अगर आप साफ करेंगे तो समंदर के अंदर ये जाएंगे, हमारी मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, और अगर ये बार्निकल्स उस तरह के हुए जो कि होस्ट टाइप के होते हैं, यानी कि जो वहाँ की मरीन लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारी मरीन लाइफ को ये तकरीबन चेंज ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपने अपनी हल क्लीन नहीं करना, आपने वहीं पर करना है जाके, खुले समंदर में जाके करने। खुला समंदर हर जगह नहीं मिलता, हर जगह पर हल क्लीनिंग नहीं होती। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग एट ऑल। हम अगर पूरी दुनिया में ही हल क्लीन नहीं करेंगे तो कहाँ जाके करेंगे? किसी न किसी पोर्ट पर तो जाके करनी है ना आपको हल क्लीनिंग। एनी वे, दैट इज़ अनदर स्टोरी। ये एक और कहानी थी जो कि मैंने सोचा कि जरा से टच करता चलूं। बट दीज आर द टू रीजंस व्हाई अ शिप्स बॉटम इज पेंटेड रेड। अगर आप ये देखना चाहें कि जहाज पर आसमानी बिजली गिरे तो क्या होता है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप इस चीज के बारे में परेशान हो रहे हो कि छोटा सा एंकर इतने बड़े जहाज को होल्ड कैसे करता है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी ज़ाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।